डीएवी डिग्री कॉलेज के छात्रों ने छात्र नेता अंकित मिश्रा के नेतृत्व में सेमेस्टर शुल्क लिए जाने को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलसचिव को ज्ञापन प्रेषित किया। वहीं कंफ्यूजन को दूर करने में कुलसचिव से संपर्क करने पर उन्होंने वित्त अधिकारी को अधिकृत बताया। वित्त अधिकारी से संपर्क किया गया तो वित्त अधिकारी ने DSW को अधिकृत बताया, जबकि अतिरिक्त शुल्क के फैसले के कन्फ्यूजन को दूर करने की जिम्मेदारी पूरे गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन की है, जिसके संबंध में डीएवी डिग्री कॉलेज के छात्र नेता अंकित मिश्रा ने बताया कि CBS पैटर्न गोरखपुर विश्वविद्यालय ने लागू कर दिया है तथा पहले उन्होंने प्रथम सेमेस्टर एग्जाम करवाया और परीक्षा शुल्क के नाम पर 150 रुपया लिया, लेकिन अब द्वितीय सेमेस्टर एग्जाम को कराने के लिए 150 से बढ़ाकर 1,450 रुपये कर दिया। तो हम छात्रों की मांग है कि इस अतिरिक्त शुल्क के फैसले को वापस लिया जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय का सत्र जब शुरू हुआ था तो और विश्वविद्यालय की विवरणिका निकाली गई तो उसमें कहीं पर भी इस तरह के शुल्क का जिक्र नहीं था, तो यह शुल्क क्यों लिया जा रहा है। वही इस संबंध में गोरखपुर न्यूज ने गोरखपुर विश्वविद्यालय का पक्ष जानने के लिए कुल सचिव से बात किया तो कुल सचिव ने वित्त अधिकारी को अधिकृत बताया। उसके बाद जब वित्त अधिकारी से बात किया गया तो वित्त अधिकारी ने DSW से बात करने को कहा और DSW को अधिकृत व जिम्मेदार बताया, जिससे कन्फ्यूजन की परिस्थिति बनी हुई है। जबकि इस अतिरिक्त शुल्क के फैसले के कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी जिम्मेदारी गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीवी डिग्री कॉलेज के छात्र नेता अंकित मिश्रा ने कहा, वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो, अतिरिक्त शुल्क वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो, अतिरिक्त शुल्क वसूली बंद करो, अतिरिक्त शुल्क वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो, छत एकता जिंदाबाद, 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 छत एकता जिंदाबाद, 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 छत एकता जिंदाबाद, 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 छत एकता जिंदाबाद। अंकित पांडे, छात्र नेता, डीएवी डिग्री कॉलेज गोरखपुर बख्शीपुर। जी, जैसे कि CBCS पैटर्न विश्वविद्यालय ने लागू कर दिया है, पहले इन्होंने सेमेस्टर एग्जाम, प्रथम सेमेस्टर एग्जाम करवाया, उसका परीक्षा शुल्क के नाम पे 150 रुपया इन्होंने लिया। अब द्वितीय परीक्षा कराने के लिए द्वितीय सेमेस्टर शुल्क इन्होंने बढ़ा के 1450 रुपया कर दिया है। तो हमारा कुलपति जी से यह मांग है कि जब विश्वविद्यालय का सत्र शुरू हुआ था और विश्वविद्यालय की शुल्क विवरणिका निकाली गई थी तो उसमें इस प्रकार से किसी भी शुल्क का विवरण नहीं था, तो ये शुल्क अतिरिक्त क्यों लिया जा रहा है। अगर लेना ही था तो आपने शुल्क विवरणिका में इसका जिक्र क्यों नहीं किया। इसी को लेकर हमारी मांगे हुए क्या मांगे है? हमारी यह मांग है कि अतिरिक्त शुल्क किस विषय पर लिया जा रहा है। अगर इसका जानकारी शुल्क विवरण में नहीं दिया गया था तो यह शुल्क वसूली नहीं होनी चाहिए।